कन्या के महत्व और समाज में उनकी भागीदारी को दर्शाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से बाल विकास परियोजना रामपुर द्वारा रामपुर के अयोध्यानाथ मंदिर परिसर में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि धार्मिक तौर से भी कन्याओं का कितना महत्व है। कन्या के बिना समाज का निर्माण एवं वंशज को चलाना संभव नहीं है, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्यों से सजग होकर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि इसका मुख्य मकसद सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रभावी व सार्थक करना है। इस कार्यक्रम के दौरान रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व महिलाओं ने भजन कीर्तन का आयोजन किया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन से लोगों में कन्या सुरक्षा के प्रति सजगता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से बाल विकास परियोजना रामपुर द्वारा ऐसे कार्यक्रम दूर दराज के गांवों तक पहुंच रहे हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंजना विशिष्ट ने बताया कि रामपुर में मंदिर में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कन्या पूजन से समाज में कन्याओं का क्या महत्व है, लोगों को संदेश दिया गया। साथ ही पुरानी परंपरा जो चली आ रही है, कन्याओं को देवी का रूप भी माना जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश को जन जन तक भी पहुँचाया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी अजय बद्रेल ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत नवरात्रों के अवसर पर विभाग द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे लोगों तक संदेश भी पहुंचाया गया कि कन्या भ्रूण हत्या ना करें, समाज में महिलाओं का सम्मान करें, लोगों को पता चले कि महिलाओं के बिना समाज नहीं है, इसलिए कन्याओं के महत्व को बताने के लिए रामपुर के रघुनाथ मंदिर में कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया। तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर किन्नौर होते हुए बहने वाली सतलुज नदी के महत्व और इसकी उपयोगिता को दर्शाने के लिए विभिन्न माध्यमों से विद्युत उत्पादन में लगी SJVN ने प्रयास तेज कर दिए हैं। पर्यावरण संरक्षण में भूमिका और लोगों के लिए जीवनदायिनी के रूप में कैसे सतलुज नदी काम कर रही है, इसको लेकर SJVN का रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन के लोगों ने संदेश दिया। इसी के तहत 7 अक्टूबर को साय के समय गंगाधाट की तर्ज पर काशी के पंडित दत्तनगर के समीप नदी तट पर सतलुज की आराधना का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को भव्य एवं लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के लिए रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं। SJVN के विद्युत निदेशक RK बंसल व रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन के प्रमुख सुरेश ठाकुर ने पत्रकार वार्ता करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सतलुज नदी के कारण ही SJVN आज राष्ट्र ही नहीं बल्कि विदेशों में बिजली उत्पादन कर अहम स्थान बना चुकी है। ये सब सतलुज नदी की ही कृपा से संभव हो पाया है। निगम की 2 परियोजनाएं नाथपा झाकड़ी और रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन से सफलतापूर्वक बिजली भी तैयार की जा रही है। इसके अलावा ये नदी लाखों लोगों की प्यास भी बुझा रही है। किसानों के लिए मैदानी इलाकों तक सिंचाई पानी उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण में सतलुज नदी की अहम भूमिका है, इसलिए इस नदी को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया गया है। लोगों को गंगा आरती की तर्ज पर ही सतलुज आराधना कर उन्हें भी इस पवित्रता के साथ इसकी उपयोगिता की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान निगम के महाप्रबंधक मानव संसाधन PS नेगी भी मौजूद रहे।